अब गलवान का भूत ड्रैगन को सपने में भी डरा रहा है। इसी साल जून में गलवान में घुसपैठ की जो बड़ी कीमत चीन को चुकानी पड़ी, अपनी भद पिटने के डर से जिनपिंग सरकार उस सच को छिपा रही है। गलवान की झड़प में चीन ने 100 से ज्यादा सैनिकों को खोया, लेकिन उसे कबूलने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाया है। लेकिन चीनी सैनिकों की कब्र इस हार की गवाही दे रही है। अब अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने इनकी पोल खोली है, देखिए कैसे। चालाक चीन ने चालबाजी में नाक कटाई। अमेरिका ने गलवान की सबक याद दिलाई। दबंगई में ड्रैगन ने तिगुने सैनिकों की जान गंवाई। गलवान में गले पड़े थे, पैंगोंग में पिटोगे। गलवान की चोट चीन भूलना चाहता है, लेकिन दुनिया उसे भूलने ही नहीं दे रही। अब अमेरिकी अखबार ने ड्रैगन को उसकी याद दिलाई है। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि गलवान में घुसपैठ की कोशिश चीन को बहुत भारी पड़ी थी। 15 जून की रात हुई झड़प में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। न्यूज वीक का सबसे चौंकाने वाला दावा तो ये है कि गलवान की साजिश के चीनी शिल्पकार कोई और नहीं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ही थे। चीन में एक शब्द है मियांजी, एक चाइनीज वर्ड है मियांजी। मियांजी का मतलब है फेस सेविंग, अपने छवि को बचाओ। प्रेसिडेंट जी के छवि को कैसे बचाओगे जब आप फिगर ही नहीं मानोगे। जो जिस तरह से चीन ने पीएलए ट्रूप्स का तिरस्कार किया, सम्मान नहीं दिया, उससे पीएलए के अंदर आक्रोश है। गलवान में जिनपिंग के इशारे पर बेहद शातिर अंदाज में चीनी सेना ने घुसपैठ की साजिश रची थी। 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को गलवान के कब्जे के लिए भेजा गया था, लेकिन उन पर 50 भारतीय जवान ही भारी पड़ गए। गलवान में चीन ने धोखे से हिंदुस्तान के 20 जांबाज सैनिकों को शहीद होना पड़ा, लेकिन शहादत से पहले उन्होंने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जिसका डर चीनी सैनिकों के दिलों में घर कर गया। गलवान में मिले करारे झटके पर चीन ने चुप्पी साध ली, क्योंकि इससे दुनिया में उसकी ताकतवर छवि को धक्का लगना तय था। तो चीन घबराया हुआ है कि यदि उसको दोनों तरफ मौत है, मान फिगर मानता है तो मौत, नहीं मानता है तो मौत, दोनों वो डेविल एंड सी के बीच में फंसा हुआ है। तो प्रेसिडेंट जी को समझ में नहीं आ रहा करे क्या, इसीलिए वो अपनी छवि को बचाने के लिए फिगर दे नहीं रहा है। जिनपिंग ने कभी सार्वजनिक तौर पर यह कबूल नहीं किया कि गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए, लेकिन गलवान में हिंसक झड़प के बाद 90 बार चीनी हेलीकॉप्टर्स को चक्कर लगाने पड़े थे, जिसने ये साफ कर दिया कि चीन को अपनी ही चालबाजी भारी पड़ गई। गलवान में अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर चीनी राष्ट्रपति ने 2 महीने तक दबाए रखी, लेकिन अब उनका झूठ खुलकर सामने आ रहा है। पिछले ही दिनों चीन में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिनमें सैनिकों की एक कब्र का दिख रही थी, और उसमें लगे पत्थरों पर चीनी भाषा मंदारिन में साफ लिखा हुआ था कि ये सब गलवान की हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले सैनिक हैं। सोशल मीडिया में आपने तस्वीर देखा होगा जिसमें फोटो दिखाया जा रहा है कि 20 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्तियां में सामने में 5-5 ग्रेव है, तो 20 बचे 100। 100 तो सोशल मीडिया में आ रहा है, बाकी कितना कब्र कहां खुदा होगा ये भगवान जाने। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने चीन में वायरल उस वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रैगन को गलवान का सबक याद रखना चाहिए।
अमेरिकी अखबार ने चीन को ये सबक ऐसे वक्त पर याद दिलाया है जब गलवान में पटखनी खाने के बाद भी वो सुधरता नहीं दिख रहा। भारत की सीमा से लगे लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर जगह जगह अपनी सैनिक टुकड़ियों और सैन्य साजो सामानों की तैनाती में लगा हुआ। चीन की साजिशों के खिलाफ 50 साल में पहली बार भारत ने आक्रामक रवैया अपना रखा है। 1962 के बाद से चीन ने लद्दाख के पास एलएसी पर जिन ऊंचाई वाले ठिकानों को हथिया लिया था, अब हिंदुस्तान के जाबाजों ने फिर से उन इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। और अब जिनपिंग की जुबान चीन की सेना और वहां की जनता के आगे ठीक से नहीं खुल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को अमेरिका क्यों गलवान में मिला करारा सबक याद दिला रहा है। अब ये जान लीजिए, दरअसल जिनपिंग के जख्म पर ये अमेरिकी मिर्ची आप कह सकते हैं। जिनपिंग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष हैं। कोरोना की बात कर लीजिए तो कोरोना पर दुनिया भर में चीन की किरकिरी पहले ही हो रही थी और जिनपिंग को सेना और सरकार में बगावत की चिंगारी दिख रही थी। ऐसे में 1962 की तरह हिंदुस्तानी सीमा में घुसपैठ का बाकायदा प्लान तैयार किया गया। मई में एलएसी से लगे तिब्बत के इलाके में युद्धाभ्यास कर माहौल भांपा गया। तब रूस ने हिंदुस्तान को चीन की गतिविधियों की जानकारी दी थी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को आंकने में जिनपिंग भूल कर बैठे। गलवान में 300 चीनी सैनिकों की टुकड़ी पर 50 हिंदुस्तानी जांबाज भारी पड़ गए और इसी की याद अब अमेरिका ने चीन को दिलाई है।